जैसे अगर आप प्रेशर वॉश लगाते हो, उस निशान पे अगर आप लगातार उसको करोगे ना, तो वो आपकी गाड़ी का एक पेंट का पैच बना देगा, स्टीम वॉश नहीं बनाएगा। सबसे बड़ी चीज भाई आगे लिया, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मैनर, यू डोंट हैव एनी पूजा, यू डोंट लाइक इट। कह सकता हूँ कि बेस्ट डिटेलर्स इन दी टाउन आर हियर। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो भाई अभी आपको ना फ्रेम में दिख रही होगी हमारी एक्सीवी, और इसकी ना मैंने मतलब बहुत खतरनाक वॉशिंग आज तक नहीं करवाई है। पुरानी वाली की एक बार मैंने फोम वॉश जरूर करवाई थी, पर इसकी वॉशिंग मैंने हाँ प्रेशर जो नॉर्मल होती है वो करवा रखी है, और हाथ से तो मैं इसको धोता रहता हूँ। लेकिन अभी ना फिलहाल देख लो थोड़े यहाँ निशान हो रखे हैं, और याद होगा आपको इसका शीशा नया था तो ऊपर भी निशान हो रखे हैं, और भाई गंदी बाहर से भी हो रखी है। अंदर की हालत दिखाऊं तो जरा खोलने दो भाई, अंदर की हालत दिखाऊं तो भाई देख लो मिट्टी ही मिट्टी। ऊपर से हमारे जो मैट होते हैं ना सबसे ज्यादा मिट्टी पकड़ते हैं, हालांकि इनको झाड़ के साफ जरूर करवा सकते हैं हम, पर जो मिट्टी ये वाले मैट पकड़ते हैं ना बस क्या ही बात बताऊं। तो आज जो है ना भाई इसकी एक ऐसी वॉशिंग करवाने आया हूँ जो मैंने ढंग से सुनी तो नहीं थी, लेकिन नई नई चीज़ ईजाद हुई है, नई भी नहीं हुई एक्चुअली, पर मैंने आज तक वो चीज़ करवाई नहीं है। तो आज इसकी होने वाली है भाई स्टीम वॉश, ठीक है। कहाँ आया हूँ, कार विजर्ड सेक्टर 75 गुड़गांव, ठीक है। भाई की नई शॉप खुली है, सारी जो डिटेल्स है मैं डाल दूंगा, बेस्ट काम गुड़गांव में यही करने वाले हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ। और ये ना कोई प्रेशर वॉशिंग नहीं करते, इनकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये जो है स्टीम वॉश करते हैं। तो देखते हैं भाई क्या कुछ स्टीम वॉश में होता है, क्या कुछ बेनिफिशियल रहता है मेरे लिए आज, और बिफोर आफ्टर सारे शॉट्स जो हैं मैं डाल दूंगा। भाइयों से भी बातचीत करते रहेंगे, देख लो सारी सफाई ऐसे ऐसे बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ। तो गाड़ी को ऊपर लगाता हूँ, फिर देखते हैं भाई स्टीम वॉश में क्या कुछ होता है, और नॉर्मल वॉश, फोम वॉश, प्रेशर वॉश से वो चीज़ कितनी अलग है और कितनी बेनिफिशियल है। तो करते हैं वॉशिंग को शुरू। लो भाई काम शुरू हो चुका है, मैट्स जो हैं सारे निकाल लिए गए हैं, ठीक है। और अंदर की देख लो अब जो है मामला देख लो, फ्लोरिंग कोई नहीं है, जो कंपनी वाली फ्लोरिंग है वो ही आ रखी है, और गंदी अंदर से बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि सीट फैब्रिक की इनकी हालत ही ख़राब हो रही है, सीट ही बदलवाऊंगा भाई मैं। तो पहला स्टेप वैक्यूम, चलो। अंदर जो है ना ये निशान जो है ये पेंट के साथ चल रहे हैं, ये रबिंग के निशान हैं जो हट रहते रह जाते हैं, जो हटाए नहीं गए हैं, अब ये हटा रहे हैं। गाड़ी प्रेशर वॉश कब करवाई थी लास्ट? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन में प्रेशर वॉश कराई थी, प्रूफ मिल गया, प्रेशर वॉश बेकार चीज है, प्रेशर वॉश से नहीं हटा वो। पूरी गाड़ी में रनिंग लाइन चल रही है एक, सारी हटी ये भाई, हम प्रॉपर एक
तरीके से डिटेलिंग का एक स्टेप कर रहे हैं इस गाड़ी में, जो हम हर गाड़ी में करते हैं अभी अभी। और असली वजह गाड़ी गंदे होने का पता क्या होता है? ये अंदर का गंद, ये देखना अंदर कितना काला बना, ठीक है? रब जड़ से निकालने वाला काम है स्टीम वॉश। हट गया बह के आज तो निकल। पहले हमारा ये बेसिक प्रोसीजर है हर गाड़ी पर, जो भी डिटेलिंग के लिए आए, डिटेलिंग के लिए आएगा उसमें तो और होता है, बट अगर स्टीम वॉश कर रहे हैं तो स्टीम वॉश में भी हम नहीं करते डिटेलिंग में, तो फिर हम और एक चीज़ करते हैं जो अपनी गाड़ी में करके दिखाएंगे आपको। क्या होता है जब हम डिटेलिंग पे जो भी सामान लगा रहे हैं, तो अगर वो सामान किसी गंद पे सेटल हो गया तो वो सेटल हो गया पेंट पे, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये गंद हटाना, ये कोने कोने का अंदर सब कुछ हटाना वेरी इम्पोर्टेंट। तो आदमी मतलब महीने में एक बार करवा ले, ठीक है? करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई केमिकल नहीं यूज हो रहा, कुछ नहीं यूज हो रहा। ये वो निशान होते हैं जो रोड पे जब गाड़ी चलती है, जो मैं कह रहा था ना सफेद गाड़ी में जल्दी दिखेगी, ये निशान रहते ही रहते हैं। ये लेना कपड़ा देना भैया, सही में नाम ठीक रखा है। देख लो कैसे भरेगा, ये देख लो कितना गंदा है। कोई साफ नहीं करता भाई, हम करते हैं। साल निकल जाते हैं इंसान को गाड़ी रखते हैं, हम करते हैं। टाइम लेते हैं 45 मिनट लगती है गाड़ी साफ करने में, आधा घंटा प्रेशर वाले लेते हैं, बट ये जरूरी चीज है बिल्कुल। भाई फर्क आपको इतना दिख जाएगा, ये अभी इलाका हो रखा है बहुत गहरा गंदा, ठीक है? और यहाँ से भाई सफाई हो चुकी है। जल्दी नहीं दे सकते गाड़ी क्योंकि डिटेलिंग में टाइम लगती है। स्टीम वॉश जब हम करते हैं गाड़ियों पे, यूजुअली हम इसको ऊपर से करते हैं, बट जब हम डिटेलिंग करते हैं पूरी डिटेल में हर गाड़ी होती है।
चीज दिखाऊं, एक जादू दिखाऊं, दिखाओ आप रखो डाबरा करूंगा। ये क्या है? ये अंदर क्या है? मिट्टी मिट्टी है। इस पे पॉलिश मारते हैं। हाँ नहीं, इस पे क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए? दो मिनट रुको। अब इस पे अंदर पॉलिश भी लगती है, क्रोम शाइन करने के लिए क्या करते हो, पॉलिश लगा देते हैं और यहाँ मिट्टी जमती है। गिली गिली छू गिली गिली आप रगड़ डाल रहा। आओ आओ इधर आओ। ये फायदा है। अब ये देख लो अंदर कैसा कैसा हो रखा। ठीक है, ये सब डिटेलिंग में भी आता है और स्टीम बॉक्स में भी आता है। काम हम भाई कहीं और जा रहे हैं, मतलब ऐसे गाड़ी छोड़ के। तो जैसे भाई ने एक दो चाल दिखाई अपनी कि ऐसे ऐसे, मैं कह यार आज पूरे दिन 7 बजे तक रुक के भाई को कम तमाशे देखा। ये वाला और ये वाला कितना फर्क है? पूरा ही फर्क है। देख लो भाई नहीं करती, मतलब ये सवाल पूछने का नहीं है कि स्टीम वॉशर प्रेशर वॉश में फर्क क्या है। घर घर पे कपड़ा मार लो दो बाल्टी लेके, ठीक है वो कपड़ा के घर पर साथ दो बाल्टी गेर ले और दुआओ तो रहे दुआओ नहीं वो एक काम है जड़ से बीमारी। महीनों का सालों का गंदा है जो निकल रहा है अभी। जब तो आई होगी गाड़ी, जब किसने धोई होगी? कौन करी होगी? मैं 10 साल एक सी भी रख ली, मैंने नहीं धोई भाई। और एक और चीज, जो लोग क्रोम पे पॉलिश लगाते हैं या तो स्टीम करवा लो क्रोम पे, या क्रोम का एक स्पेसिफिक शाइनर आता है वो लगवाओ, वरना क्रोम पे मत करवाओ, ऐसे ही गंद बैठता रहेगा। ये देखना कितना काला हो रखा पेंट अंदर से। कितनी रेत में ले आओ गाड़ी, कितनी गंदी ले आओ, जितनी रेत में उतने मजे आएंगे देखने में। हाँ बिल्कुल, जब चमकेगी ना जब मजा आएगा। ऐसी रेत से तो प्रियांशु ही ला सकते भाई की गाड़ी आई है ना रेत में, रेत में खारे पानी में सब में आई है भाई की गाड़ी। मैं मानता हूँ स्टीम वॉश जल्दी होती है, स्टीम वॉश जल्दी हो जाती है, जल्दी गाड़ी साफ हो जाती है, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वांटिटी है। इंसान अपने लिए इतना टाइम लगा सकता है पार्लर जाके, ये चीज वो चीज, गाड़ी थोड़ा हम ऐसे हैं भाई, खुद पे टाइम नहीं लगाते, हम इन्हीं पे लगाए रहते हैं। अबे स्टीम वॉश में ही गाड़ी का पीलापन चला जाता है। बिल्कुल जाता भाई, बिल्कुल जाता है भैया, नाम जस्टिफाई कर रहे हो भाई, कोशिश तो यही है। कोशिश
भाई पहला जो अपना स्टेप है, यानी कि जो इन डिटेल वाली डिटेलिंग, यानी जो भी स्टीम है सारी, जो ये कोने है ना, सारी मिट्टी निकालने वाला पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप जो है वो जो स्टीम है बेसिकली सारी गाड़ी के सारे पार्ट्स पे अब वो चीज़ लगेगी। किनारी किनारी से तो कर लिया, जो अंदर का डस्ट पार्टिकल्स थे वो निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो जो काम हो रहा है ना, और स्टीम साइन की भाई एक बड़ी खास चीज़ है, मैंने आज देखी, मतलब ये जो स्टीम वॉश है इसमें भाई देखो, एक तो पर्ल वाइट कलर एक्सयूवी का आता है, महिंद्रा में जो वाइट है वो प्रॉपर वाइट नहीं होता, स्नो वाइट नहीं होता, पर्ल वाइट होता है। जो पीलापन था ना वो इससे निकल रहा है, ठीक है, बस क्या ही बताएं। भाई वो तो खड़ी है प्रियांशु भाई की थार और बहुत खतरनाक उसमें काम हो रहा है। ये रही अपनी XUV 500, पॉलिशिंग उसकी हो रही है फाइनल। अभी तो इसकी स्टीम वॉश हुई है केवल, अब जो है ना इस पे होने वाली है वैक्सिंग, ठीक है। वैक्स के बाद जो ये गाड़ी चमक मारने वाली है ना, और अभी देखो कुछ बहुत खतरनाक काम नहीं करा है, लेकिन शाइन देख लो भाई सारी गाड़ी पे, बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स तो मैं भाई बस क्या ही करके दिखाऊं आपको, इतना खुश हूं ना मैं। वही बात है जो भाई जानते हैं मेरे को, जब मैं खुश ज़्यादा होता हूँ ना मेरे पास शब्द नहीं होते। जो काम रोहन भाई, सार्थक भाई कार विजर्ड्स में करते हैं, उनसे भी आपके भी बातचीत करवाऊंगा मैं, जो काम ये लोग करते हैं ना, ऐसा काम आपको ऐसे रीजनेबल रेट में कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्वालिटी क्वांटिटी देखो टाइम लेंगे, और फुर्सत में आओ टाइम ले आओ, लेकिन जो काम जिस दाम में ये लोग करने वाले हैं ना, अनबीटेबल है, अनमैचेबल है। आप शाइन देख लो मेरी गाड़ी की, मैं और कुछ क्या ही कहूँ। और अभी जो है इसकी वैक्स भी होनी है, ये सारी चीज़ें इनकी एक पैकेज में होती है। इनके जो भी पैकेज रहेंगे, और रोहन भाई रहे अंदर, सार्थक भाई बैठे हुए हैं, इनके जो भी पैकेजेस, जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। इनके नंबर, इनका नाम, इनका एड्रेस, सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। और एक बार मेरी गाड़ी फाइनलाइज होने दो, फिर उनसे पूछूंगा कि क्या कुछ गाड़ी में एग्जैक्टली हुआ है। टिल देन सीधी पांडा, बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सही भाई, जेन्युइनली हैप्पी। भाई मेरी में काम तो बच रहा है, लेकिन काली थार कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर ओनर कम है भाई, ये जल्दी, यस यस, करवा लिया आज फाइनली काम। हाँ भाई आज फाइनली करवा लिया, पूरे एक साल में भाई कितना फर्क लगा है करवाने के बाद ये बता। जैसे ये जमीन है, हाँ, अरे वो आसमान है ठीक है। इतना फर्क है कि भाई काली थार अगर काले रंग में अगर साइन ना हो, फिर भाई काले रंग का फायदा है नहीं। और क्या हालत, क्या रेड पीट रखी थी इस गाड़ी की भाई, बहुत गंदी, बहुत गंदी। मतलब भाई भाई के पास आए हो, स्पेशली इंडरी से गुड़गांव आए हो काम करवाने के लिए, लगा कि करा 100% लगा। और को रिकमेंड तो करनी पड़ेगी, ये जगह है और को रिकमेंड करनी पड़ेगी भाई, पता रिकमेंड चीज वो करनी। अब एप्पल का फोन है, क्या कभी आपको रिकमेंड करते हुए देखा किसी की, भाई एप्पल ही लो, एप्पल खुद बिकता है, एप्पल लियो भाई।
एप्पल चीज है अपना चलेगी भाई। यार कार डिटेल करवानी है, बहुत गंदी हो रही है, क्या जाऊं तो बाप बहर अपना घर भाई आगे ले व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मैनर यू डोंट हैव एनी पूजा यू डोंट लाइक इट अरे भाई थार देख लो पूरी, मतलब यहाँ से मेरी गाड़ी दिख रही है यार, ये फर्क देखो भाई। और बल्कि ये वैक्सिंग जो है मेरी गाड़ी में भी बच रही है। मेरी गाड़ी की क्या रिपोर्ट लग रही है भाई? बढ़िया लग रही है। मैंने तो जब पहले दिन में लगाई मैं यार की वीडियो बनानी है, फिर हम रेस करने चले गए। और तू जब भी रेस की मना कर रहा कि टक्सन जीत जाएगी पेट्रोल फलाना, अरे इनकी एक्सयूवी जीतेगी भाई, जीतेगी क्योंकि मजा बगाने वो गाड़ी यार। भाई मतलब भाई मेरा जी कर रहा है रेस कर ले, एक बार मान ली दिमागी आ गई यार, भाई ने मोरल अप कर आगे भाई आ गया रेस में जो बात है। और सारा दिन भाई यहाँ लगा लिया, वर्थ लगा ना? वर्थ लगा भाई। हम छोड़ के जा रहे गाड़ी कि भाई गाड़ी छोड़ के अपने घर चले जाए, फिर कहीं वैसे यहाँ वहाँ चले जा। फिर भाई ने दो चार ज्ञान दियो, वो सबसे बढ़िया बात लगी स्ट्रीम वो सी जो आज तक पहले कभी देखी ना भाई। मैंने भी नहीं देखी भाई, ना करवाई। पहली बार देखी तो यार जानने का मन करा कि हो क्या रहा है। फिर पूरे दिन ये सारी चीज देखने लगे कि क्या हुआ, भाई ने क्या करा, तो मजा आया, मजा आ गया। और मेरी में भाई अभी वैक्स बच रही है, ये कर लो पहले मेरे भाई वैक्स बच रही है, बाकी ठीक है, चमक तो बनी है। और सफेद गाड़ी की चमक भाई हमेशा ही अलग रहती है। वैक्स बच रही है, पॉलिश बच रही है, बाहर से जो ओवरऑल खत्म जो बोलते हैं ना कंक्लूजन इस गाड़ी का भी बच रहा है भाई। लेट हो गए क्योंकि थार में भी काम था और जो अपनी एक ग्लैंजा रखी उसमें भी काम था। वैसे अगर सिर्फ स्टीम वॉश के लिए आओ ना तो ज़्यादा नहीं, 45 मिनट एक घंटे का मैक्सिमम काम है। अगर भाई हर फ्री हो तो कार विजर्ट्स भाई बेस्ट जगह, बेस्ट बंदे गुड़गांव में, इन दी टाउन बोलते हैं ना, बेस्ट डिटेलर्स इन दी टाउन। नए भाई हैं अपनी एज के, भाई हैं करीब करीब, और भाई खुद काम कर लेते हैं। वर्करों की भी मतलब देखो, जो बंदा खुद अगर काम कर ले ना, खुद अपना बिजनेस संभाल ले, उसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। बाकी होने दो, गाड़ी को ख़त्म होने दो, पूरा जो इसका कंक्लूजन है फिर आपको जो फाइनल टच है। और रोहन भाई, सार्थक भाई से आपको बाद में मैं बात करवाता हूँ, लग कैसी रही एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो। तो भाई फाइनल प्रोसेस यानी कि वैक्सिंग के लिए गाड़ी अंदर चढ़ चुकी है। और अंदर से अगर मैं व्यू दिखाऊँ ना गाड़ी का, तो देखो फर्क पड़ा है ऑब्वियसली। स्टीम वॉश व्हाट इज दिस। तो भाई मेनवाइल अपनी जो गाड़ी है फाइनल स्टेप यानी वैक्स हो रही है। हम करते हैं भाई असली जादूगरों से बात। रोहन भाई क्या चाल, सार्थक भाई क्या चाल? बहुत बढ़िया। तो भाई नया आपने काम शुरू कर दिया फाइनली। हाँ जी, आज आपने मेरे को बुला लिया, मैं खुद भी आ गया कि मेरे को वॉश करवानी है मेरे को। तो भाई सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये पैदा हुआ, मतलब सवाल मेरा ये दिमाग में उठा, आपने बोला कि हम स्टीम वॉश करते हैं, ठीक है, स्टीम वॉश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मतलब ये मेरे थोड़ा कैसे सोचा कि ये अलग, सब तो नॉर्मल वॉशिंग करते हैं, स्टीम ही क्यों चुना भाई? क्योंकि जब हम प्रेशर वॉश करवाते थे ना, हमने अपनी गाड़ी पे रिजल्ट देखा कि भाई स्क्रैचेस आ रहे हैं, और हम हफ्ते में एक एक बार करवाते थे। फिर हमने कहा यार अभी कोई ऐसी चीज भी तो आती होगी कि मतलब जिसपे स्क्रैच ना लगे, गाड़ी के जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ये हटे। तो हमने फिर सर्च करना चालू किया, फिर हमें दिमाग में स्टीम वॉश जो है आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आने देता, और आपकी पेंट प्रोटेक्टेड रखता है, गाड़ी प्रोटेक्टेड रखता है, छोटे छोटे स्पॉट्स हटा देता है, मतलब आपकी गाड़ी में एक अलग ही शाइन आ जाती है। तो इस वजह से हमने स्टीम वॉश चुना। भाई बहुत अच्छी चीज सुनी, सबसे बेस्ट चीज। एक चीज है जो गुड़गांव में दिक्कत है, खारा पानी। अब जैसे आज एक जो भाई की थार करी, उसमें उन्होंने स्टीम वॉश कराई आज पहली बार, उससे पहले इतना प्रेशर वॉश उन्होंने कराया हुआ है, सब कराया हुआ है, गाड़ी पे वाइटनेस पूरा खारापन जो होता है ना वो सारा आ गया बाहर। और स्टीम वॉश बिकॉज गर्म होता है और स्टीम है, वो भाप बन के उड़ जाता है, केमिकल का यूज नहीं हुआ, ठीक है। जो गाड़ी के निशान है वो मिनटों से पहले हट गए। जैसे अगर आप प्रेशर वॉश लगाते हो, उस निशान पे अगर आप लगातार उसको करोगे ना, तो वो आपकी गाड़ी का एक पेंट का पैच बना देगा, स्टीम वॉश नहीं बनाएगा। सबसे बड़ी चीज तो इस चक्कर में और स्टीम वॉश प्रेफर करते हैं। क्रोम आपने देखा कैसे चमक गई, तो गंदे निशान जो रह गए स्टेन्स हैं, वो स्टेन्स बहुत इजीली रिमूवेबल है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कराओ प्रेशर वॉश, कराओ खराब गाड़ी,
पर टाइम निकालो गाड़ी के लिए, अपने लिए टाइम निकालते हो, हर चीज के लिए निकालते हो, तो भाई गाड़ी के लिए क्यों नहीं निकालते हो? भाई हम बंदे ऐसे, गाड़ी का ही टाइम खुद का टाइम नहीं है हमारे। मैं तो यही कहता हूं भाई, टाइम निकालो, जितना टाइम निकालोगे उतना बढ़िया। और भाई चलो, मैंने तो सिर्फ स्टीम वॉश कराई है आज, और फाइनल आप वैक्सिंग वैक्सिंग कर रहे हो, वैक्स करवा रहे हो गाड़ी की, तो और क्या क्या सर्विसेज आपके यहाँ मिलती है जिससे मेरे जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं आपकी तरफ आकर्षित होए? बताओ भाई। कार डिटेलिंग है, सरामिक कोटिंग है, उसके अलावा इंटीरियर क्लीनिंग है, इंटीरियर डिटेलिंग है, ठीक है, एंड अभी बहुत जल्द PPF भी शुरू कर देंगे। बट प्रेफरेबली हमारा ये रहता है कि पहले हम गाड़ी देखते हैं कस्टमर की, कि उसकी गाड़ी को नीड क्या है। अब बहुत लोग हैं कि सेरामिक कर दो, पर सेरामिक भी तब ना जब गाड़ी को नीड है सेरामिक की, आपकी रनिंग वैसी है, आपकी गाड़ी को जरूरत है सेरामिक की। अगर आपकी गाड़ी को सेरामिक की जरूरत ही नहीं है, मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा, आपने अब तक कभी करा ही नहीं है, नहीं कभी नहीं सजेस्ट करा कि आप सेरामिक करो। हाँ, जिसकी गाड़ी को नीड है कि नहीं इनकी रनिंग भी है, डलनेस भी है, टाइम नहीं है, तो उनकी गाड़ी का हम सजेस्ट करते हैं सेरामिक करो। वरना जो हम डिटेलिंग भी करते हैं उसमें आपने कपड़ा मारना है गाड़ी साफ है, बहुत सिंपल सॉल्यूटेड चीज है। तो बस इट डिपेंड्स टू द कस्टमर कि इफ द कस्टमर नीड्स सेरामिक और ऑटो डिटेलिंग और PPF। अभी PPF आउटसोर्सिंग करा देते हैं, बट वही है, बहुत जल्द अनाउंस भी हो जाएगा, एंड वेरी सून विल बी कमिंग अप विद, जैसे हमारा एक्सेसरीज का पार्ट हो गया, कन्वर्जन्स होगी गाड़ियों में, ओके, बहुत जल्द, मतलब बॉडी किट जो भी एक्सेसरीज चीज कुछ भी चाहिए हो कार के रिलेटेड, डेंटिंग का काम भी है, पेंटिंग भी है, डिटेलिंग है, इसके अलावा मैकेनिकल अगर किसी को करवाना है तो वो भी है। सो ऑलमोस्ट वी आर इनटू एवरीथिंग, बस अभी एक्सेसरीज शुरू नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है भाई, दोनों भाइयों का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। चलो प्रोफेशनल, अगर उससे मैं साइड हटूँ, भाईचारे के उसके हिसाब से अगर मैं आप दोनों से बात करूँ भाई, ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है, प्रोफेशनली सब तारीफ करेंगे, मैं भाईचारे में तारीफ करूंगा भाई, ऐसा काम मैंने सही में नहीं देखा। क्योंकि एक तो ये जो आपकी स्टीम वॉशिंग है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, बहुत सब लोग नहीं करते, और पर जो प्राइस में आप सबको करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, वो सबसे रीजनेबल है भाई, कहीं नहीं सुना है मैंने। मार्केट घूम लो, मैं घूम लो, परख लो। इनफैक्ट मेरा मोटो भी है, जो मैं अपने कस्टमर्स को भी बोलता हूँ कि सर पहले करवा लो, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल। तो भाई फाइनली गाड़ी मेरी हो चुकी है कम्प्लीट, सारे भाइयों को एक बार दिखा देता हूँ, और स्टीम वॉश में भाई जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। स्टीम वॉश मतलब सारी बीमारी को जड़ से निकालना, ठीक है, जो जिस कोने पे प्रेशर नहीं जा सकता वहां पे स्टीम चली जाती है, और सबसे इफेक्टिव, एफिशिएंट, और ज्यादा पानी भी खर्च नहीं होता, चार मेरे ख्याल में 2-4 लीटर में खत्म कलेश। बाकी भाई आते रहेंगे आपके पास, और भाई कसम से देखो वही बात है, ऐसा काम मैंने नहीं देखा है, कह सकता हूँ कि बेस्ट डिटेलर्स इन दी टाउन आर हियर। और किसी भाई को कोई भी क्वेरी हो, दोनों भाई बैठे हुए हमारे कार विजर्ड सेक्टर 77 गुड़गांव, वो आपको लोकेशन मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा गूगल मैप की, दोनों भाइयों के नाम, दोनों भाइयों के नंबर भी डाल दूंगा, जाके भाई को कांटेक्ट करो, और थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, इतना ये जो चमका दी मेरी धनो बीच में, मतलब कर करा के बीच में हमें एक अच्छी सी रेस भी कराए थे भाई, थैंक यू सो मच, दिल से खुश हूँ, और मिलते हैं भाई वापस, जल्द मिलते हैं, थोड़े दिन में मिलते हैं, और भाई फाइनल शॉट्स जो है गाड़ी के आप देख लेना, तभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कौन सी जगह पे आना है फटाफट दिखा देता हूँ आपको, कार विजर्ड सेक्टर 77 गुड़गांव, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई, जो लोग अरावली के आसपास आते रहते हैं ना पंडाला, अगर मेरे NCR वाले भाइयों को पता होगा, उससे अगर आप NH8 की तरफ जाओ ना, तो ये बरिस्ता आपको बहुत ज़्यादा दिखा होगा, ये एक पंप है अपना भारत पेट्रोलियम का, यहाँ पर एक बरिस्ता है कोने में, वहीं पे दो दुकान छोड़ के भाई की नई शॉप है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत खतरनाक होने वाले कार विजर्ड्स के साथ। भाइयों को जाके भाई मैं करो बेस्ट काम इन दी टाउन, अगर आपको चाहिए इधर आओ, प्रोफेशनल
ठीक है, अच्छे तरीके से, शांत तरीके से, शांति से अपनी गाड़ी लेके आओ, शांति से अपनी गाड़ी लेके जाओ। तब तक के लिए यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और इंस्टा की आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो करो, कार विजर्ड्स को भी जाके फॉलो करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और शॉर्ट्स देख लो, चलो।